है, लेकिन ये माइक पकड़ करके लड़कों के बीच जाने को हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। आपको जो ग्रैंड सैल्यूट है कि एक गांव से निकली हुई बेटी आज कितना अच्छा काम कर रही है, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे आपको देख के बहुत गर्व महसूस होता है, इतना गर्व महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती। टीआरपी कई बार टेलीविजन के एंकरों से और पत्रकारों से पाप करवा देती है। आपके पैरों पे बेड़ियां नहीं आती हैं टीआरपी की वजह से? तो मैं बंक मारती थी इस कॉलेज में कि भैया लाओ तुम्हारी गाड़ी फंस गई, लाओ हम निकलवा दें। आप दूरदर्शन में जब काम आपको मिला, हाँ, तो क्या दादाजी की वजह से मिला? एक बार क्या हुआ था कि मुझे मारने की धमकी मिली थी, तो उधर से आवाज़ आ रही थी कि तेरा घर देख लिया मैंने, तू इस कलर का ड्रेस पहन के और इधर से निकल रही है, ऐसा करने वाला हूँ तेरे साथ। वल्गर बातें, साइको टाइप के लोग होते हैं जो आपको टीवी पर देखते हैं तो वो आपको पा लेना चाहते हैं, आप जानते होंगे, पसंद करने लगते हैं कि अरे ये तो बड़ी अच्छी है, उसको पता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, और आज हमारे साथ हैं प्रज्ञा मैम, जो आप इनसे भली भांति परिचित होंगे और इनके बारे में मैं परिचय देके आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहती। मैम ने कटिंग चाय नाम का एक शो बनाया जिसको लेकर देश में और विदेशों में भी आपको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, जो बहुत जल्दी ही पूछ रही हूं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूं क्योंकि लड़कियां जो हैं इस फील्ड में खुल के सामने नहीं आती, और अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो पिताजी मीडिया में नहीं थे, संगीत घराने से थे, माताजी प्रोफेसर थी, बाबा दूरदर्शन में थे शायद, तो कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरे ख्याल से, तो कैसे आपने सोचा और जब आप आई तो क्या क्या समस्या देखती हैं इस फील्ड में? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया रिसर्च करी है पल्लवी जी, बहुत बढ़िया। आपको सब पता है मेरे पिताजी म्यूज़िक टीचर रहे हैं, मम्मा यूनिवर्सिटी BHU में टीचर रही हैं संस्कृत की, तो फैमिली में हमारे यहाँ कोई जर्नलिज्म में नहीं था, लेकिन सब आर्टिस्ट फील्ड से थे, तो कलाकार सब थे, मुझे बहुत सपोर्ट किया गया घर में। हालाँकि ज़्यादातर ये होता है कि जो ब्राह्मण्स फैमिली होती हैं वो लोग लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, देवी भी समझते हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकते या इस तरीके से आदमियों के बीच में जाकर काम नहीं कर सकते, एक ऐसी भ्रांति होती है कुछ फैमिलीज़ में। तो मेरे पापा में, मम्मा में तो नहीं थी, लेकिन मेरे जो बड़े पापा थे वो इस बात के बहुत विरोध में थे कि लड़कियां हैं तो ये सब काम नहीं करने देंगे। अगर इन्होंने जो है मास कम्युनिकेशन पढ़ाई की, जब मैंने बात करी अपने घर में कि मैं मास कम्युनिकेशन करूँगी, तो उन्होंने, उनका ये कहना था कि गाना सीखना है सीख लो, गाना सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये माइक पकड़ करके लड़कों के बीच जाने को हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त पर मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी बेटी, हम दो बहनें हैं सिर्फ घर में, एक मेरी बड़ी बहन, एक मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन बैंकर है, मैं जर्नलिज्म में हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरी दो बेटियाँ हैं और एक बेटी है जिसे मैं बेटा मानता हूँ, तो वो मैं। तो मतलब फैमिली सपोर्ट आपका बहुत पूरा पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, लेकिन जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि स्टूडियो में बैठ के पत्रकारिता करना आपको पसंद नहीं था, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करना पसंद करती हैं, उसमें बहुत चैलेंज होता है फील्ड में एज अ वुमेन, बहुत सारी समस्याएं आती हैं आपके सामने। कई बार क्या होता है कि जो आपकी बात को पसंद नहीं करते वो आपको घेर लेते हैं, मैंने ऐसा कई बार देखा है, मुझे कुछ लोग ऐसा घेर लिया करते थे, फिर शुरू शुरू में मुझे लगता था कि मैं ये घेरा कैसे तोड़ूं, हर चीज़ तो ठीक थी, मैं बातें अच्छी कर लेती थी और मेरी एक खूबी समझ लीजिए या गॉड गिफ्ट समझ लीजिए, या कलाकार थे घर में हर कोई तो वो खून में था, ये समझ लीजिए कि मैं लोगों से बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, हर किसी को अपना बना लेती हूँ, ये मेरा नेचर ही है, तो लोग बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते थे। जो आपने कहा कि कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, तो अगर थोड़ी देर किसी के हाथ रख के बोलो और माई कैसी हो, भैया खाना वाना खा ली, तो अम्मा जो है बहुत खुश हो जाती थी, तो जो नहीं बोलना चाहते थे वो भी बोलते थे और बोलते हैं। एक सवाल मेरे मन में था बहुत दिनों से, मैंने ये नहीं सोचा था कि आपसे पूछूंगी, लेकिन मैं ये जरूर सोची थी कि पूछूंगी किसी से, जब ऐसी हिंसा होती है महिलाओं के सामने, महिलाओं के साथ, तो उसमें हम पत्रकार और कभी कभी मैं ये मानूं कि टीवी एंकर ये देखते हैं कि कितना जघन्य अपराध है, उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उस पर कितने घंटे का टीवी शो किया जा सकता है, या हम एंगल देने की ज़रूर कोशिश कर लेंगे कि अच्छा ब्राह्मण और दलित का बन रहा है कि नहीं, हिंदू या मुस्लिम का बन रहा है कि नहीं, अगर ये दोनों नहीं बन पाता है तो हम कहीं ना कहीं उस मैटर में सीरियस भी नहीं होते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आप अखबार उठा के देखिए, किसी भी जगह का उठाइए, उसमें चार या पांच ऐसी घटनाएं होती हैं जो
किसी लड़की या महिला के साथ हुई रहती है, लेकिन उस पर कभी भी प्राइम टाइम शो नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। तो प्रज्ञा जी, आप किस नज़रिए से इस मुद्दे को देखती हैं? क्योंकि कष्ट तो जिसकी बेटी है उसको हो ही रहा है, कैसे देखती हैं आप ये दो दोहरा रवैया है उसको कैसे देखती हैं? देखिए, टेलीविज़न आपको क्लियरली बताती हूँ, टेलीविज़न जो है वो दो चीज़ पे चलती है, एक TRP और एक ब्रांड। ठीक, TRP और ज़रूरी भी है, अगर उनको बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी होती है, बहुत सारे लोगों का परिवार उन पर डिपेंड होता है, तो TRP कई बार टेलीविज़न के एंकरों से और पत्रकारों से पाप करवा देती है। तो ये पाप होता है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये करते हैं। इसमें मैं आपको एक अपनी स्टोरी बता दूँ। पहले मैं नुक्कड़ नाटक करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी समाज में एक मैसेज देना, मेरा शुरू से जब से मैंने पढ़ाई करी, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई करी है, मास कम्युनिकेशन किया, तो मैं सोचती थी कि मुझे एक मैसेज जो है मैं समाज को देना चाहती हूँ, चाहे वो महिला को लेकर के हो, चाहे वो हिंसा को लेकर के हो, चाहे वो ये पॉलिटिकल जो एक बन गया है माहौल उसको लेकर के हो, कोशिश करती थी। नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया तो क्या होता था कि वो मैसेज से 100 से 200 लोगों के बीच में जाता था। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैं थिएटर करने लगी, मैंने थिएटर करना शुरू किया, फिर वो मैसेज बहुत ज़्यादा 400 से 500 लोगों के बीच जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि ये मैसेज कैसे आगे बढ़ाया जाए, फिर मैं टेलीविज़न की दुनिया में आई, फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस में काम किया मेरे भाई के, तब भी ये मैसेज आपको फिर धीरे धीरे फिर मैं टेलीविज़न की दुनिया में आई। तो मेरे साथ ये था कि मुझे लगता था कि ये मैसेज जाना चाहिए, तो मैं जो काम करती हूँ पल्लवी जी वो पत्रकारिता करती हूँ, और मेरा इसको मैं अपना पैशन कह लीजिए, जुनून कह लीजिए, या सनकपन भी कुछ लोग कह देते हैं मुझे कभी कभी, कि मैं मुद्दों पर बात करती हूँ और मैं मुद्दों के लिए जानी जाती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भाजपा का हो, वो सपा का हो, जो लोगों की सोच हो गई है, या किसी भी पार्टी का हो, या अगर क्राइम है तो वो क्राइम है, अगर वो गलत है तो वो गलत है। आपके पैरों पे बेड़ियां नहीं आती हैं TRP की वजह से, जैसे आपने कहा कि TRP एक ऐसा, हाँ बिल्कुल नहीं आती, अगर आती ना पल्लवी जी तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। आज की पत्रकारिता पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? आज की पत्रकारिता पे मैं, बहुत कठिन सवाल नहीं है, सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे खुद गुस्सा आती है, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। पत्रकारिता, पत्रकारों का काम सत्ता से सवाल करना है अगर सत्ता गलत करे तो, विपक्षियों से सवाल करना है अगर वो गलत करें तो, पत्रकारों का काम समाज के वो मुद्दे उठाना है जो छूटे जा रहे हैं। जैसे तक की है, एक टाइम था पल्लवी जी लोग झोला टांगते थे और पत्रकारों को देखा होगा खादी कुर्ता पहन के चप्पल पहन के निकल जाते ये थे, कहते थे जो सादगी में रहता है वो पत्रकार होता है, और आज एक ग्लैमर की दुनिया नहीं है। वो तो अपनी अपना अपना शौक है, कुछ भी कर सकते हैं, आपके पहनने का मन वो जो आप करें, इसमें तो बाउंड नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले की जो पत्रकारिता थी तब पत्रकारों को सम्मान दिया जाता था, अपने घर में उतना सम्मान दिया जाता था जितना पुलिस वालों को नहीं दिया जाता था पल्लवी जी। लेकिन आज पता है क्या हो गया है, आज माहौल बदल गया है, आज लोग आज पत्रकारों को देखेंगे अरे ठीक है क्या करना, एजेंडा चला रहा हो, अरे चलो छोड़ो नहीं वक्त नहीं है भैया, नहीं वक्त नहीं, ये हो गया प्रॉब्लम। ये अंतर है तब में और अब में। तब पता है तब पत्रकार पत्रकारिता करता था, आज पत्रकार डिजाइनर पत्रकारिता करता है, आज पत्रकार प्रेजेंटेशन करने लगा है, पत्रकारिता नहीं करता। कुछ पत्रकार, मैं सबकी बात नहीं, सबका नाम नहीं लूंगी, इसमें बहुत सारे अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ एक लाइन पर चल रहे हैं कि उनको सिर्फ भक्ति करनी है। आप बचपन से ऐसा क्या आपने सोचा होगा कि आपको लगा होगा कि समाज में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे आवाज़ उठानी है, कुछ तो देखा होगा ना, जैसे आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी, वो हमेशा से महल में रहे, उनको कभी बाहर की समस्या देखने को दिया ही नहीं गया। तो ऐसे ही थोड़ी सी कहानी मेरे साथ भी थी, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से रखते थे, मतलब सबके रखते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि वो प्यार मेरे लिए थोड़ा ओवरडोज हो जाता था, कि स्कूल जाना है तो बस से जाना है, बाहर नहीं निकलना, बच्चों के साथ नहीं खेलना, तो थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करके रखते थे। मेरी सिस्टर तो हमेशा से बाहर पड़ी, मैं इधर घर में रही, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया, मुझे कभी तकलीफ़ पता ही नहीं चली, कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब हमारे पास, हम तो रोटियाँ फेंक, मेरे गले के नीचे से तब रोटी नहीं उतरती थी, मुझे लगता था कि रोटी नहीं खाएंगे, कड़ी है बहुत, हाँ नहीं खाएंगे, ब्रेड सही है या केक खा लेते हैं, पेस्ट्री खा लेते हैं, जो बिगड़े, जो स्पॉइल की बचपन में जो लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता था। फिर जब मैंने धीरे धीरे ये बाहर निकल, कॉलेज की स्कूल की पढ़ाई करी, फिर कॉलेज की पढ़ाई करी, दोस्त बने,
तो मैं बंक मारती थी इस कॉलेज में तो बाहर निकलती थी तो देखती थी कोई रिक्शे वाला है, वो बेचारा बैठा हुआ है, धूप है भयंकर लेकिन बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, कुछ खा जो जो मतलब उसको थोड़ा बहुत कागज़ से खोला, रोटी खा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ना धीरे 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 कुछ कुछ करती थी, मतलब मुझे कुछ लगता था कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, मतलब समाज समान होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना लोकतंत्र में कि सब सबका सम्मान है और हर कोई समान है, हर किसी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या होता है बताइए। आप निकल जाइए, आपकी बात नहीं करूँगी, मैंने कोई किसी व्यक्ति कोई यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं हमारे चारों तरफ, वो बैठे हैं भैया हैं, ये पीछे दिखाएगा कैमरा, ये भैया बैठे हैं, इनके कपड़ों को देख लीजिए, इनको देख लीजिए, ये यहाँ से ट्रॉली लेकर अपनी जाएं मानो, ठीक है। तो क्या कोई कार वाला खड़ा हो जाएगा तो कहेगा कि भैया हट जा, कोई कहता है भैया ऐसे है? नहीं कहता ना, कभी कोई कहता है कि भैया लाओ तुम्हारी गाड़ी फंस गई लाओ हम निकलवा दे? कोई नहीं कहेगा। कोई कहता है? नहीं कहेगा। लेकिन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? वो तो चाहते हैं, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। पल्लवी जी मैं ये सोच बदलना चाहती थी और मैं ये देखकर मुझे तकलीफ होती थी, वो शुरुआत हुई आज और आज मैं ये बदलाव लाना चाहती हूँ कि ऐसा होना। ठीक है आप पूरे देश से गरीबी ना हटा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सब हर व्यक्ति भूखा ना सोए। आप दूरदर्शन में जब काम आपको मिला हाँ, तो क्या दादाजी की वजह से मिला या आपका? नहीं नहीं हाँ हाँ ये बहुत लोगों की सोच थी। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, मैंने कमेंट पढ़ के ये सवाल सीरियसली हाँ अच्छा ओके तो ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि मेरे बाबा ने अपना करियर देखा, मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं किया कि चलो ठीक है हम तो भैया टीचर हैं बाकी सारे बच्चों को पास करा देते हैं तो आज जो है तुम पेपर मत देना तो मैं पास करा देंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मेरी तरफ तो बोला कि नहीं पूरी रात पढ़ना है, फेल हुई तो रखा डंडा घर में बहुत सपोर्ट करते थे, कभी हेल्प नहीं करी। तो आकाशवाणी की बात बताती हूँ, दूरदर्शन का काम तो चलो मुझे मिला था, मेरे मैंने ऑडिशन दिया, बहुत लंबा प्रोसेस है सबको पता है कि वो इस तरीके से नहीं मिलता। आकाशवाणी की बात बता दूँ, जब मैंने आकाशवाणी में सिलेक्शन हुआ माय फादर वाज शॉक्ड एक्चुअली। तो हुआ क्या कि मैं पेपर देने गई, आकाशवाणी का एग्ज़ाम होता है फिर इंटरव्यू होता है और उस वो इंटरव्यू ऐसा होता है कि ना सामने वाला व्यक्ति आपको देख सकता है और ना आप उसे देख सकते, एक पर्दा होता है और उस पर्दे के पीछे जो ज्यूरी होती है वो आपको सिर्फ सुन सकती है, आपकी आवाज़ उसमें नाम भी नहीं होता, रोल नंबर होता है, बहुत पारदर्शिता रखी जाती है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं कि चल जाता है ऐसे हो गया किसी ने कह दिया तो हो गया, ऐसा नहीं चलता। तो जब मैं वो देने गई थी तो एग्ज़ाम हो गया, सब इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, पापा मुझे हेल्प ज़रूर करते थे कि ये पढ़ लो ये काम आएगा, वो कर लो ये काम आएगा, तो उन्होंने कहा था होगा नहीं तुम्हारा, पहले ही वो पहले ही बोल चुके थे तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो बट यू आर नॉट मेड फॉर इट, तो नहीं होगा। तो मैं भी सोचती थी नहीं होगा, ठीक है भाई नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ कि हमारे घर में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इतना बड़ा सा एक आता है शील्ड लेटर आता है, तो ऑफर लेटर जिसे बोलते हैं, तो एक लेटर आता है मेरे घर में और पोस्टमैन देकर जाता है, कहता है कि ये है, तो मेरे पापा बड़े गर्व से उतरते हैं कि अरे मेरे लिए आया होगा, तो वो खुद आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो के स्टाफ आर्टिस्ट रह चुके तो उनको लगा कि उनके लिए आया होगा। जैसे खोलते तो उसमें नाम होता है प्रज्ञा मिश्रा, कहते हैं प्रज्ञा मिश्रा मतलब ये कैसे तुम्हारा है? तो मैं कहती देखा कर लिया तो वो मेरा एक मेरे अंदर था कि पापा कहते हैं कि हो नहीं पाएगा तो मुझे करके रखना है, करना ही करना है, तो मैं कर लिया, हो गया। ये सब कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मुद्दे उठाए, हाँ नाम नहीं ले रही हूँ आप जानती ही होंगी, एक पत्रकार थे जिन्होंने एक योजना पे सवाल खड़ा किया और ये दिखाया कि ये योजना सिर्फ दिखावटी है, उसका कोई असर जमीन पे दिखा नहीं, उनकी नौकरी छिन गई। इसके अलावा आप अगर चुनावी माहौल की बात करें उसमें जिन जिन लोगों ने सवाल उठाया, किसी की नौकरी चली गई, किसी को जेल में भेजा गया, ये सत्ता का अहंकार होता है, ये सत्ता का अहंकार होता है। आपको डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता। पिताजी अरे पिताजी को तो लगता होगा ना, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, कसमें खाई है मैंने कि ठीक है परेशान माय, मेरे पिताजी को माइनर अटैक आ चुका है तो ही इज हार्ट पेशेंट, तो बहुत डरते हैं। नहीं नहीं मेरी वजह से नहीं, वो परेशान मेरे लिए बहुत रहते थे पहले, अब तो खैर बहुत गर्व करते हैं मेरे ऊपर, पहले परेशान रहते थे, उनको डर लगता था कि ये सब मत करो। एक बार क्या हुआ था कि मुझे मारने की धमकी मिली थी, तो वो कौन सा वीडियो था? वो वीडियो नहीं था, कुछ साइको टाइप के लोग होते हैं, एक बार आपने सुना होगा मैं पेट्रोल पंप पे ये जो मिलावट हो रही थी उसका वो कर रही थी, खुलासा कर रही थी, तो एक ने मेरे पर गाड़ी चलाने की कोशिश करी तो वो डर गए थे, वो तो छोड़ो। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक साइको टाइप के लोग होते हैं जो आपको टीवी पर देखते हैं तो वो आपको पा लेना चाहते हैं, आप जानते होंगे, पसंद करने लगते हैं कि अरे ये
तो बड़ी अच्छी है। उसको पता नहीं वो साइको टाइप का था, उसको मेरा नंबर कैसे मिल गया मुझे समझ नहीं आया। उसको नंबर मिल गया, उसने मुझे फ़ोन पे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। उसने शायद मुझे फॉलो वॉलो भी बहुत किया कि तेरे, खैर मैं वो चीज़ें बोलना नहीं चाहती, बहुत सारी बातें ऐसी कही, बहुत अपशब्द कहे, गलत बातें कही, धमकियाँ दी, बहुत बुरी बुरी धमकियाँ दी। तो मैं पापा को बताना नहीं चाहती थी, मुझे पता था वो डर जाएंगे, हार्ट पेशेंट। मम्मी को बताया तो मम्मी, हमारे घर में कभी कोई पुलिस तक नहीं गया, पुलिस कभी घर पे नहीं आई। आती थे तो जैसे कोई रिलेटिव आ गए तो आ गए, कभी आज तक नहीं हुआ। प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली, मतलब एकदम अपने उसूलों पर, विचारों पर चलने वाले लोग, एकदम सीधे साधे लोग, टीचर हैं, टीचर जानते कितने सीधे होते हैं, तो वो माहौल था। उस वक्त पर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी मेरी डर गई थी, तो उन्होंने ना ये बात पापा को बता दिया कि कुछ करो। मतलब मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं, धमकी आती रहती है, और मुझे ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी आती थी तो मैं इग्नोर करती थी। लेकिन उसने फिर क्या किया कि फिर, हाँ मम्मी ने बोला कि लाउडस्पीकर पे करो, फ़ोन आया उसका लाउडस्पीकर, मैं कर नहीं रही थी, पापा बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं करो। मैंने फ़ोन लाउडस्पीकर पे किया तो उधर से आवाज़ आ रही थी कि तेरा घर देख लिया मैंने, तो इस कलर का ड्रेस पहन के और इधर से निकल रही है, और इस तारीख, इस महीने की इस तारीख को मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ तेरे साथ। वल्गर बातें बोलना नहीं चाहती। तो उस वक्त मम्मी डर गई, पापा डर गए, बहुत परेशान हो गए, अब क्या करना है। तो मैं पुलिस, मैंने कहा कि ठीक है करा लेते हैं, FIR कराते हैं। मैं पत्रकार बन के नहीं गई, नॉर्मल लड़की बन के गई। जो बदलाव आपने कहा ना कि हम कैसे ला सकते हैं, वही बताने, इसीलिए मैंने ये मुद्दा, साल हो गया था उस समय आपको, 2017 था, 17 या 18, शुरुआत और एंड की बात होगी, 2017 का लास्ट और इसका शुरुआत 18 का। तो हम गए थाने, गए, आपका हाथ तो नहीं दर्द हो रहा? नहीं नहीं, ठीक है, आदत हो गई। ठीक है, तो हम थाने गए, वहाँ पर साहब, बेड नाम नहीं लूँगी, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, साहब बैठे हुए थे सामने, कह रहे थे मैडम, ऐसे उनके, मैं मिमिक्री बड़ी अच्छी करती हूँ, मिमिक्री करती हूँ, मैडम हम कोई स्पाइडरमैन थोड़ी ना है, हम कहाँ से पकड़ेंगे बताइए, अब उससे हम तोड़ के फेंक देगा, हम कैसे पकड़ लेंगे। तो हमने कहा सर कोशिश तो करिए, कुछ तो करना पड़ेगा, अगर वो, अच्छा कुछ तो करिए, क्या करूँगी, बोले कि अगर मानो वो आपके पास आए या आपको कोई ऐसा लगे कि आपका कोई पीछा करा, आप मुझे फ़ोन कर देना। मैंने कहा कि सर जब मैं कहीं जा रही हूँगी और मुझे लगेगा कि वो बंदा मुझे जो है मारने आ रहा है, और मैं आपको फ़ोन करूँगी फटाक से, सर पीछे खड़ा है, आइए पकड़ लीजिए, ये कहूँगी सर। तो बोले मैडम कुछ कर नहीं सकते, हम हनुमान थोड़ी हैं, लास्ट शब्द उसके थे, उनके थे, हम हनुमान थोड़ी हैं, वो अगर सुनेंगे तो पहचान भी जाएंगे, नहीं कि इनकी बात कर रही हूँ, हम हनुमान थोड़ी हैं जो उड़ के पकड़ लेंगे। हमने कहा ठीक है सर, थैंक यू, आपने बहुत साथ दिया, आपने अपनी तरफ से कर लिया, क्या अब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ? बोले हाँ हाँ, आपकी ज़िंदगी, आपका जो मन करे आप करिए। मैंने कहा ठीक है। नवनीत सिकेरा सर तब 10-90 देख रहे थे, मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे मेरी बात हुई। तब मैंने एज अ जर्नलिस्ट, और फिर आप जानते हैं कि जब आप एज अ जर्नलिस्ट आवाज़ उठाते हो, मैंने ट्वीट किया, फिर लगातार कई अधिकारियों से बात करा, फिर उस बंदे को 8 घंटे के भीतर पुलिस थाने ले जाया गया, और उस व्यक्ति को बहुत मारा जा रहा था, और मुझे वो देखकर बुरा लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जब मैंने उससे पर्सनली, अच्छा मेरे पापा डर रहे थे कि तुम मत जाओ, अरे वो तुम्हें पहचान लेगा, मैंने कहा उसने तो देखा ही होगा मुझे, पहचान के लेगा। तो मैं चली गई उसके पास, उसकी आंखें लाल थी एकदम, मैंने उससे बोला कि कोई प्रॉब्लम है आपको मुझसे, मतलब बहुत मारा जा रहा था, मुझे बुरा लग रहा था, मतलब वो देख के कि उसे थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ रहे थे, बदतमीज़ी करेगा तो मार तो पड़ेगी, पर मुझे थोड़ा सा, मैं हार्ट मेल्ट हो गया। मैं गई, मैंने पूछा कि क्यों प्रॉब्लम है आपको मुझसे, कोई जानते हो मुझे? तो बोले नहीं, टीवी पर देखा था और सोचता था कि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद? हाँ, डरा दूंगा। हाँ, जब आप जब नहीं मानोगी तो डरा दूंगा ऐसा। तो मैंने कहा कि अच्छा, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। फिर मैं वहाँ से निकल गई, फिर उसके बाद कई बार पेशी वेशी करा, फिर केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। क्यों गई आम लड़की की तरह? आपने पूछा नहीं मुझसे, मैं चाहती थी आप मुझसे पूछे। मैं इसलिए गई, मैं देखना चाहती थी कि मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं तो जानती हूँ कि क्या क्या करना है, कि एक फ़ोन घुमाऊँगी काम हो जाएगा, मुझे पता है, मुझे पता है कैसे करना। लेकिन मैं देखने गई थी कोई नॉर्मल लड़की जो इन सब चीज़ों से डर जाएगी, जिसको लगेगा कि अरे क्या क्या बोल दिया उसने, धमकी दे दी मुझे, उसके साथ क्या होगा। और जब मैं वहाँ गई तो मैं बहुत निराश हुई। ये बदलाव लाना है, और ये बदलाव कैसे लेकर आई? क्योंकि जब मैं जर्नलिस्ट की तरह गई और फिर मैंने दोबारा उनसे बात करा, और फिर पावर जो होती है एक जर्नलिस्ट के पास, जब मैंने वो दिखाई और मैंने उनसे बोला कि साहब अब आप गए,
आपने कर लिया आप हनुमान जी तो मैं आपको बना के रहूंगी। तब उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा कि मैडम बस करिए, आप हमको पहले बता देती आप कौन हैं। मतलब आम लड़कियों के लिए हाँ, हमारी प्रशासन भी कहीं ना कहीं नींद में ही है, उसको नहीं फर्क तो है बिल्कुल नहीं, और इसी को नींद से जगाना है, इसीलिए मैंने जर्नलिज्म किया और इसीलिए मैं कर रही हूँ, यही मैसेज देने के लिए। बहुत नाजो से पली थी और बहुत कठिन काम चूज कर लिया। हाँ, ये मेरा पैशन है, मुझे जुनून है, मैंने कहा ना मुझे सनक है काम करने की, और सनक इज़ अ नेगेटिव वर्ड बट मुझे पसंद है काम करना। तो लोकसभा सीटों में आप निकली थी जब चुनाव था, विधानसभा सीटें 403 विधानसभा हाँ, सीटें अकेले तो, कवर किया मैंने। हाँ, तब किस किस तरह की समस्या आप देख रही थी और तब आपको क्या लग रहा था कि और कोई समस्या नहीं पल्लवी जी, मैं सीख रही थी और मुझे बहुत मजा आई, कोई समस्या नहीं थी। अलग अलग गांव जाती थी, अलग अलग गांव में अलग अलग भाषा सीखने को मिली, अलग अलग लोगों से मिली मैं, गांव में जाती थी चूल्हे पर लोग खाना बनाते थे उनके साथ बैठकर बात करती थी, मैंने देखा कि बहुत सारी योजनाएँ जो कही जाती है कि आवाज़ दे दिए, सिलेंडर दे दिए उज्ज्वला गैस के तहत, तो बहुत सारी योजनाएं खोखली थी, बहुत सी जगह योजनाएं आपको जमीन पर दिखी, तो मैंने बताया बस काम किया मैंने। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज जब आप कर रही थी तो घर से कितना गुस्सा या सपोर्ट कैसा रहा? मुझे घेरा तोड़ना था पल्लवी जी, घेरा तोड़ना था। तो पिताजी गुस्सा हुए होंगे? मम्मी सब नाराज़ थे ये शुरुआत में, क्योंकि उनको डर था कि मेरी लड़की जो जिसको हमने इतना प्यार से पाला है वो कैसे गांव में जाएगी, वो कैसे मतलब। अच्छा, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि कास्ट वाली प्रॉब्लम? उनको हर मतलब उनको मिला जुला के सारी प्रॉब्लम थी कि वो दूसरे मतलब उनकी हर तरह के रिचुअल्स अलग होंगे, कैसे एडजस्ट कर पाएगी, उनका तो सबसे बड़ा डर था। और मुझे क्योंकि क्या एक बात बताइए, इंटरकास्ट मैरिज हो या कोई यादव हो, कोई कुछ भी हो, क्या वो इंसान नहीं होते? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्योंकि मतलब आप समाज को एक मैसेज जाएगा ना, क्या वो इंसान नहीं होते? पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, हम आप तो समझ रहे हैं हाँ, लेकिन जब पिताजी और माताजी और हम और जो बड़े लोग होते हैं हाँ, वो कहीं ना कहीं समाज से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उनको लगता है कि कुछ ऐसा ना कर दे नहीं तो वो क्या कहेंगे, ये वाली प्रॉब्लम गार्जियन में ज़्यादा है। इसलिए मैंने पूछा कि उन लोगों का, उनको ये डर कम था कि समाज क्या कहेंगे, ये तो एक थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन मेरे समझाने के बाद समझ गए थे, उनको ये डर था कि एडजस्ट कैसे करेगी, तो एक उस चीज़ को भी तोड़ना था, भ्रांति तोड़ना था कि शहर की लड़की गांव में भी एडजस्ट कर सकती है। करना ही चाहिए भाई, हमारा तो होल सोल वही है भाई, हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, आप क्यों रोक सकते हो? हम जाएंगे, हम करेंगे, और हमने किया और हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। खुश है? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और इससे ना और भी लोगों को बहुत मैसेज मिला है, और कहीं ना कहीं कहते भी हैं जब बेटी और रोटी का लेन देन शुरू होगा तभी समाज सुधरेगा और जाति प्रथा इसी तरीके से ख़त्म हो पाएगी। तो प्रज्ञा जी ने तो एक मैसेज दिया ही है लोगों को और देती ही रहती हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पल्लवी जी को सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी लगी। ये मैंने कहा नहीं, आपने खुद बोला। मैंने खुद बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।